दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई और इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी कानून के दायरे में लाया गया है। यही नहीं, कैसीनो हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी अब लगेगा। इसके अलावा काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाघरों में खाने पीने की चीजों समेत 4 ऐसी चीजें हैं जिसमें लगने वाले जीएसटी में कटौती की है। आइए सुनते हैं इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फिर महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने क्या कहा। ऑन 4 आइटम्स रेट्स हैव बीन ब्रॉट डाउन। दे रिलेट टू अनकुक्ड अनफ्राइड एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट्स बाय व्हाटएवर नेम दैट यू वुड कॉल देम। सो रेट हैज बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम 18% टू 5%। देन सिमिलरली ऑन फिश सॉल्युबल पेस्ट again from 18% to 5%, and then imitation zari threads or yarn known by any name in trade parlance, even that has come down from 12% to 5%, and LD slag to be brought to be at par with blast furnace slag and fly ash. So LD slag has come down from 18% to 5%. So there are 4 items on which the rates have come down. था कि आप जब गेम ऑफ स्किल पे आप टैक्स कैसे लगा सकते हो, गेम ऑफ स्किल को पुलिस नहीं पकड़ सकती। टैक्स का कोई विषय था नहीं, मतलब उसका आधार देते थे। अब बड़े स्पष्टता से जीएसटी के कानून में ऑनलाइन गेम्स, गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो, देखो गेम ऑफ स्किल में चेस छोड़कर कोई गेम ऑफ स्किल नहीं। तो बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में, और इन बड़े फैसलों पर बातचीत करते हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरा डिकोड करते हैं कि आखिरकार क्या खास रहा है इस बार की जीएसटी बैठक में। हमारे साथ है चार्टर्ड अकाउंटेंट और जीएसटी एक्सपर्ट कपिल मित्तल। साथ ही गेमिंग इंडस्ट्री पर जो टैक्स लगा है या कह सकते हैं यूं कि झटका लगा है, उस पर बात करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल जॉय भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद हम करते हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले कपिल जी आपके पास आएंगे, क्योंकि इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपसे जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है जिसके गठन को मंजूरी दी गई है उस पर जरा चर्चा करना चाहूंगी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म का कदम साबित हो सकता है। आपसे समझना चाहते हैं कि जीएसटी ट्रिब्यूनल कितना बड़ा फैसला है ये जिस पर मुहर लगी है आज इस बैठक में। देखिए स्वाति जी, पहली बात तो हम देखेंगे कि जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है इसकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जितनी भी लिटिगेशन या जितने भी इश्यूज अभी हम जीएसटी में देख रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं किसी ऑफिसर ने कोई टैक्स कर दिया है या फिर किसी का रिफंड रुका हुआ है या कोई और मैटर है, आज अगर उसके अगेंस्ट वो अपील फाइल कर देते हैं और उस अपील में वो मैटर सेटल नहीं हो पाता है तो एसएससी के पास मजबूरन उसे ट्रिब्यूनल ना जाके उसे सीधा हाई कोर्ट जाना पड़ता है, जिसमें उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है और टाइम और बहुत ज़्यादा उसका वेस्ट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को देखा जाए तो जीएसटी ट्रिब्यूनल बहुत अर्जेंट नीड में रिक्वायर्ड है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। हमने देखा था लास्ट काउंसिल की मीटिंग में भी एक अप्रूवल हो गया था कि जीएसटी काउंसिल हमारा बहुत जल्द बना दिया जाएगा, लेकिन अगेन उसका रोड मैप अभी तक क्लियर नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं आज की जीएसटी काउंसिल में बहुत अच्छे एक हमें संकेत मिल रहे हैं कि शायद बहुत ही जल्द हमें जीएसटी काउंसिल के द्वारा अपना ट्रिब्यूनल बन जाएगा, जिसमें कि हमारी कुछ महाराष्ट्र कह रहे हैं कि हमारी 3 या 4 ट्रिब्यूनल होगी। इसी से हर एक स्टेट अपने एरिया और लोकेशन के हिसाब से ट्रिब्यूनल्स के नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स कितने बनाएंगे उसको बयान कर रहा है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें कितनी जल्दी वो सौगात मिलेगी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो गई है। आज की डेट में आप देखते हैं कि अगर आपने कोई भी मैटर आपको कोर्ट में लेके जाना है तो उसके लिए आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक मैटर जो कि ट्रिब्यूनल पे रिजॉल्व हो सकता है, कोर्ट के ऊपर भी लोड बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डनड है अगर हम टैक्स केसेस की बात करें, और इन ट्रिब्यूनल ना होने की वजह से जीएसटी में वो और ज़्यादा लोडेड होते जा रहे हैं।
सामान है, तो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि जल्दी बनाया जाए ताकि प्रोफेशनल्स का और एटलीस्ट जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो अपना टाइम एक अच्छी जगह पर लगाएं जो कि इमीडिएटली ट्रिब्यूनल रिजॉल्व कर सकती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए हैं जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीजें निकल के आएंगी, जैसे सिनेमा घरों में इन्होंने जो फूड आइटम्स वगैरह मिलती हैं उसका रेट डाउन किया। बात करूंगी इस पर कि हम जीएसटी ट्रिब्यूनल की यहाँ पर क्योंकि चर्चा कर रहे हैं और बाकी भी और जो बड़े फैसले हुए हैं एक एक करके उस पर चर्चा करते हैं। एक छोटा सवाल कपिल जी आपसे इस पर पूछना चाहती हूँ, ढांचा जो है जीएसटी ट्रिब्यूनल का, आपने कहा कि जो मामले हैं उनका निपटारा ट्रिब्यूनल में ही हो जाएगा और हायर अथॉरिटी हायर के कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, तो एक जो ढांचा होता है ऐसे किसी ट्रिब्यूनल का वो कैसा रहता है? देखिए ट्रिब्यूनल का ढांचे की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूनल के अंदर आप देखते हैं कि एक हमारा लेयर होता है कि जिस ऑफिसर से आप डील कर रहे हैं, जो आपका इमीडिएट इंचार्ज है या फिर आप कह सकते हैं ऑफिसर है, उसके बाद एक आपकी अपील आती है जहां पर सेम ही लेवल के आप कमिश्नर्स या फिर असिस्टेंट या डीसी वगैरह को देखते हैं, उसके ऊपर एक आपका लेवल आता है जहां पर आपके कहीं ना कहीं रिटायर्ड जज जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और जिन्हें पता होता है कि कैसे टैक्सेशन मैटर्स को डील करना है, वो बहुत ही अच्छा उनका बैकग्राउंड होता है टैक्स रिलेटेड जिसको वो रिजॉल्व करते हैं। तो जीएसटी ट्रिब्यूनल में जनरली हम एक या दो लोग या तीन लोगों के मेंबर्स भी देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन के किस टाइप के केसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाता है। तो जीएसटी ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि एक कहीं ना कहीं मीडियोकर एक बीच में एक लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में मैटर ले जाने के लिए आपको बहुत सारे और गवर्नमेंट के कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, एक असेसी को भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कोर्ट में जाने के लिए। तो उस एंगल से अगर हम देखा जाए तो जीएसटी ट्रिब्यूनल बहुत ही इमीडिएट नीड है जो होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत बड़ा फैसला जीएसटी ट्रिब्यूनल को जो मंजूरी दी गई है वो आज के इस बड़ी बैठक में जीएसटी काउंसिल की बैठक में सामने निकलकर आई है। ऑनलाइन गेमिंग इस पर अब 28% जीएसटी लगेगा, कैसीनो हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। इसलिए मिस्टर भट्टाचार्य आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उस पर एकदम अधिकतम जो कैपिंग है टैक्स की वो लगाई गई है, आपकी नजर में ये कितना बड़ा फैसला? इट्स बहुत ही मुश्किल दिन है हमारे लिए बिकॉज इट्स अ टेरिबल न्यूज फॉर द इंडस्ट्री। देखिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 18% हो या 28% हो, वो GGR पर हो, ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू, दैट मीन्स जो पैसा वो बनाता है प्लेयर खेल कर उससे ऊपर, बट अभी जो है ये टोटल वैल्यू के ऊपर है। ये तीन चीज होगा इसके लिए, एक है कि हमारे अबाउट $4 billion वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो बाहर वेट कर दिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं लास्ट 1 year में ये इंडस्ट्री को प्रॉपर करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए, एक नोडल मिनिस्ट्री देने के लिए। अब वो $4 billion अभी चले जाएगा वापस, क्योंकि जो टैक्सेस किए हैं इसमें ऑलमोस्ट ऑल द स्टार्टअप्स विल हैव टू क्लोज डाउन, ये स्टार्टअप्स बच नहीं सकते हैं इतना हाई टैक्सेशन पे, जहां हम लोग का एक सपना था कि एक $5 trillion इकोनॉमी करेंगे, जहां $1 trillion इज अ डिजिटल इकोनॉमी, यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लो है इस इकोसिस्टम के लिए। दूसरा है कि आप इतना बड़ा टैक्स दिए हैं कि टैक्स से आपका एक्चुअल टैक्सेस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जितने प्लेयर है वो बाहर जाकर खेलेंगे, इसके बाद वो इलीगल साइट्स में बाहर जाकर खेलेंगे क्योंकि वहां वो टैक्सेस नहीं देना पड़ते हैं, और आज की डेट में VPN हो जो हो वो बाहर, सो जो पैसा इंडिया में टैक्स पेइंग कंपनीज को मिल रहा था, स्टार्टअप्स को मिल रहा था, वो पैसा आज बाहर भागेगा, और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरा खबर है। आप कह रहे कि बहुत बड़ा झटका है इंडस्ट्री के लिए, बहुत बुरी खबर है, और काउंसिल से निकलकर हमने देखा वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि गेम ऑफ स्किल को टोटली उन्होंने खारिज किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस्टर भट्टाचार्य आपने भी रखे हैं, पर व्हाट नेक्स्ट? आपने कहा कि एकदम मैक्सिमम टैक्स जो लगाया गया उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर क्या रहे थे, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, और नेक्स्ट स्टेप हो क्या सकता है आपकी इंडस्ट्री की तरफ से? देखिए दो चीज है, हम तो 18% और 28% एक डिस्कशन होती है कि आप कितना लगाने चाहते हैं, लेकिन आप टोटल पर अगर लगाए तो कोई ऑपरेशन ही प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, और यही बात है कि पूरा स्टार्टअप इंडस्ट्री जो है वो मर जाएगा, क्योंकि आप अगर उसके रेवेन्यू पर लगाए कि इतना ठीक है आपने इतना पैसा बनाया है इसी ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, वो 18% हो 28% हो, बट अगर आप बोले कि मैं एक्चुअली जो
पैसा वो डेल राइट गेम खेलने के लिए उस पर डालू, फिर उसके बाद देर इज नथिंग लेफ्ट, कोई प्लेयर यहाँ खेलेगा नहीं, क्योंकि उनके पास आज की डेट में बाहर खेलने के लिए इतने इलीगल ऑप्शंस हैं कि वो वापस कभी नहीं आएगा लीगल ऑप्शंस के पास। और यही बात है कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि हम टैक्स करने से हमें लग रहा है कि ये पैसा ज्यादा हमें मिलेगा, एक्चुअली उल्टा है। जो पैसा हमें मिल रहा था, जो टैक्स पेयर दे रहा था, क्योंकि इंडियन कंपनीज के लिए गेम्स खेल रहे थे कंज्यूमर्स इंडियन कंपनीज पर, वो अभी इंडियन कंज्यूमर्स बाहर जाकर खेलेंगे इलीगली। तो हमने क्या बोला है कि नहीं, आप यहां मत देखिए, यहां आपके लिए जगह नहीं है, आप जाकर बाहर खेलिए इलीगल कंपनीज में। और ये मुझे लगता है हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा है। हम सिर्फ बोल सकते हैं कि आपको रिकंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ये इंडस्ट्री के लिए एक डेथ ब्लो है, बहुत ही मुश्किल चीज है। क्योंकि हमें आपने कैटेगराइज किया है, गेम ऑफ स्किल आपने पकड़ा ही नहीं है। आपने जो जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे साथ है, जितने ये इकोसिस्टम है इंडस्ट्री का, आपने ये पूरा खत्म कर दिया है। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आपके पास फिर से आती हूँ इस पॉइंट पर कपिल जी, आपसे जरा इसके डायनेमिक समझना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग पर काफी समय से चर्चा चल रही थी और बार बार ये पोस्टपोन हो रहा था ऑनलाइन गेमिंग पर, पूरा टैक्स का ये मामला, जीएसटी लगाने का ये पूरा जो मुद्दा था, और आखिरकार उस पर फैसला हो ही गया, 28% जीएसटी लगाने का फैसला। आपने सुना मिस्टर भट्टाचार्य भी क्या कह रहे हैं कि एक बिग ब्लो है टू द इंडस्ट्री। तो क्या वाकई अधिकतम जीएसटी लगाना ऑनलाइन गेमिंग पर जरूरी था? जरूरी था तो क्यों जरूरी था? और जैसा मिस्टर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि अब जो इलीगल तरीके हैं इससे इसको बढ़ावा मिलेगा, जो पैसा आ रहा था वो भी नहीं आएगा, मैं इस पर आपसे थोड़ा क्लैरिटी चाहती हूँ कि ऐसे क्या जो डायनेमिक्स है ऐसे बन सकते हैं, और ये जो टैक्स है वो एक्चुअली लगेगा कैसे जीएसटी पर? क्या जो गेम खेल रहे हैं, जो इन्वॉल्व है उसमें, उनके पास जो पैसा आता उसके बाद उस पर टैक्स कटेगा, कैसे हो सकता है पूरा ये? देखिए स्वाति जी, भट्टाचार्य जी ने जो बताया वो काफ़ी हद तक सही लगता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमें वेट करना चाहिए। अभी हमें सिर्फ ये बताया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग टैक्स हो रहा है, फुल फेस वैल्यू पे टैक्स हो रहा है, 28% से टैक्स हो रहा है, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि अभी तक ऑनलाइन गेमिंग जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं आ रहा था। मैडम एफएम ने क्लियर किया है ये चीज़ कि अभी इसका डेफिनेशन अमेंड किया जाएगा, जीएसटी के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद उसके फाइन ट्यून के प्रोविजंस क्या होंगे वो हमारे सामने आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी हम ये सोचें कि ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, ये इंडस्ट्री ख़त्म होने के कगार पे आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसी फाइन ट्यून्स उसमें लेकर आएगी जिससे हम समझ पाएंगे और शायद एक बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और शायद ऑनलाइन गेमिंग को इससे फ़ायदा होगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि ऑनलाइन गेमिंग को टैक्स ब्रैकेट में लाना क्यों ज़रूरी है, देखिए आज की डेट में हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस डेवलप हो गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आज की डेट में बिजनेस हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग निकल के आ रहे हैं, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा नए नए इसमें आ गए हैं। हम रोज़ देखते हैं कभी कोई नया स्टार्टअप आ रहा है, कभी कोई किस टाइप की गेमिंग पे आ रहा है, तो वहाँ पे टैक्स होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये नहीं कहेंगे कि इसको हम लगाम लगा रहे हैं या इसको रोक रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपना टैक्स बेस बढ़ा रही है। जब गवर्नमेंट अपना टैक्स बेस बढ़ा रही है तो उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि जब भी कोई बिजनेस इंडिया में हो रहा है तो उस पर टैक्सेस तो लगेंगे, आज नहीं तो कल वो टैक्सेस के दायरे में आएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है देखते हुए कि ऑनलाइन गेमिंग और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसको टैक्स करना चाहिए। इनिशियली वो 28% के साथ आ रहे हैं, बट आप देखेंगे जब 2017 में जीएसटी आया था तो देर आर मैनी आइटम जिन पे 28% जीएसटी था, बट वो आज घट के 12% कुछ 5% में भी जा चुके हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि क्या फाइन ट्यून ड्राफ्ट आने वाले हैं, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। और अगर लेट सपोज फिर भी हमें लगेगा कि नहीं यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री के साथ गलत हो रहा है, तो हम हमेशा अपने सजेशंस दे सकते हैं और गवर्नमेंट से हम हमेशा देखते हैं कि वो हमारे सजेशंस को सुनते हैं और उनके ऊपर जो काउंटर मेजर्स लाने होते हैं वो आते हैं। तो अभी हमें इंतजार करना चाहिए फाइन ट्यून प्रिंट का आने का। इसी पॉइंट पर मैं जानना चाहती हूँ मिस्टर भट्टाचार्य से कि एज एन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिनिधि होते हुए मिस्टर भट्टाचार्य, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि जैसा कपिल जी ने भी बोला
कि हमने देखा है हर बार जीएसटी काउंसिल की बैठकों में एक पर्टिकुलर सर्विस पर पर्टिकुलर गुड पे एक जीएसटी तय हो जाता है और उसके बाद उसको रिकंसिडर भी किया जाता है। ऐसी कोई संभावना आपको ऑनलाइन गेमिंग में नजर आ रही है, आप क्या तर्क लेकर अब सरकार के सामने और काउंसिल के सामने स्पेशली जाना चाहेंगे इस फैसले के बाद? देखिए उन वो जो बोल रहे हैं अगर वो रिकंसिडर करते उनके मुंह में वही शक्कर। ट्रूथ इज कि हम लोग टैक्सेस देना चाहते हैं, ये जो इंडस्ट्री है हमारी मिस्टर भट्टाचार्य वो रिकंसिडर नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप अपने तर्क क्या रखेंगे, मतलब ऐसा मैंने कहा कि कई सर्विसेज प्रोडक्ट के साथ हुआ है जिसमें रिकंसिडर होता है, आपके तर्क क्या होंगे? जी प्लीज गो। देखिए हम तो बताएंगे डेफिनेटली रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है 18 और 28 नहीं, इट इज ऑन फुल रेवेन्यू टोटल फेस वैल्यू और ऑन ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू, फर्क वहां होता है। दूसरा है कि देखिए हम लोग टैक्स देना चाहता है, ऑल द कंपनीज हु आर पार्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, हम लोग टैक्स देना चाहते हैं इस देश में और हम लोग यहाँ इस देश में टैक्स पेयर है और हम लोग चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री टैक्स हो, क्योंकि ये टैक्स होने से इंडस्ट्री लीगलाइज हो, हम लोग गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। और हमने लास्ट वन ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जो किए हैं वी हैव बीन वेरी सपोर्टिव, बिकॉज हमें विश्वास है कि गवर्नमेंट ने बहुत क्विकली स्टेप्स लिए हैं। हम एक नोडल मिनिस्ट्री दी है मीटी, एक डिजिटल इंडिया एक्ट बनाई है, स्पेशल बॉडीज बना रहे हैं कि फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेप है जो डायरेक्टली कंपनीज के रेवेन्यू में हिट करेगा ये बहुत मुश्किल है, और सबसे बड़ा मुश्किल बड़े कंपनीज के लिए नहीं है, सबसे बड़ा मुश्किल है वन छोटे कंपनीज के लिए होगा, दूसरा होगा कंज्यूमर के लिए, क्योंकि उसके पास जो ऑप्शन ही नहीं होगा वो बाहर जाकर खेलेगा, इलीगल गेम्स खेलेगा, और तीसरा है जो कैपिटल जो एफडीआई इंडिया में अबाउट $4 billion इज बीन वेटिंग टू कम इन टू इंडिया इन द लास्ट इन द नेक्स्ट 6 months एक्सपेक्टिंग यू नो अ फेयर टैक्स असेसमेंट, वो भी अभी इज गोइंग टू बी स्टाइमेड। सो ये फैक्टर्स आप थोड़ा देखिएगा, हमें टैक्स देने में कोई इतराज नहीं है, टैक्स तो देना ही चाहिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंपनीज है, सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री है, हम लोग इस देश में टैक्स देना चाहते हैं, बट आप जिस रेट पे टैक्स कर रहे हैं और एक फेस वैल्यू पे कर रहे हैं ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, बस यही बताना चाहते हैं लोग। जी धन्यवाद करेंगे मिस्टर जॉय भट्टाचार्य आपका और साथ ही मिस्टर कपिल मित्तल आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फाइन प्रिंट्स बस अभी अभी आए हैं जीएसटी काउंसिल से जो बैठक निकली उसके बड़े फैसलों पर, उस पर हमने एक इनिशियल एक चर्चा की है, समझने की कोशिश की है कि आखिरकार ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगना और उसके बाद उसके अलावा जीएसटी ट्रिब्यूनल बनना अपने आप में कितना बड़ा फैसला है। इस पर आगे भी जब इसके फाइन प्रिंट्स आते रहेंगे और क्या डिटेल्स निकल कर आती है और भी चर्चाएं इस पर आगे जारी रखेंगे। फिलहाल ये थी हमारी आज की पहली कवर स्टोरी। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स असेंबल कंपनी फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में भारत में $19.5 अरब के निवेश का ऐलान किया था। ताइवानी कंपनी ने भारत की वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन करने वाली थी। अब इसका प्लांट जो था वो गुजरात में लगने वाला था, मगर अब ये डील रद्द कर दी गई। वेदांता ग्रुप से डील रद्द करने के पीछे फॉक्सकॉन ने कोई कारण नहीं बताया है। अब जरा ये समझिए कि डील टूटने की क्या वजह हो सकती है। दरअसल फॉक्सकॉन की घोषणा से ठीक 3 दिन पहले 7 जुलाई को वेदांता ने एक बयान जारी किया था और इस बयान में वेदांता ने कहा कि वो अपनी होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज से इस जॉइंट वेंचर का मालिकाना हक लेने जा रही है। जॉइंट वेंचर अभी तक वेदांता रिसोर्सेज की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास थी। यही नहीं, भारत सरकार ने जॉइंट वेंचर की फैक्ट्री बनाने की प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को पता था कि जॉइंट वेंचर ठीक से नहीं चल पा रहा, कंपनियों में कुछ मतभेद है और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डील के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण वेदांता की वित्तीय हालत ठीक नहीं होना था। खबरों के मुताबिक कंपनी काफी कर्ज में डूबी हुई है जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए जरूरी तकनीक खरीद नहीं पा रही थी। हालांकि वेदांता ने अपने बयान में कहा कि उसने इस फैक्ट्री को बनाने के लिए दूसरे पार्टनर तैयार कर लिए हैं और उसके पास एक जानी मानी इंटीग्रेटेड उपकरण बनाने वाली कंपनी से 40 NM के सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजीज का लाइसेंस भी है।
खबर तो ऐसी भी है कि भारत सरकार फॉक्सकॉन से संपर्क बनाए हुए हैं और वो उसे स्वतंत्र रूप से सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो इन तमाम रिपोर्ट्स पर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दो कंपनियों ने डील की और डील तोड़ भी दी, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि दोनों कंपनियां जरूरी टेक्नोलॉजी पार्टनरों के साथ भारत में अपनी अपनी रणनीतियों पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगी। हालांकि इस डील के टूटने से भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के सपने को झटका जरूर लगा है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन शुरू करने की दूसरी योजनाएं भी आगे नहीं बढ़ पाई हैं। जरा ये भी जानिए, खबरों के मुताबिक सिंगापुर की कंपनी IGSS वेंचर ने भी एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार की सलाहकार समिति को वो ठीक नहीं लगा और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके अलावा अबू धाबी की कंपनी नेक्स्ट ऑर्बिट और इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के JV के लिए ISMC ने एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस प्रस्ताव से भारत ने ही अपने हाथ पीछे कर लिए और कहा कि कंपनी इस प्रस्ताव पर विचार न करे। तो जानना समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की अभी स्थिति क्या है और क्या वेदांता फॉक्सकॉन की जो डील है वो टूटना वाकई भारत के सेमीकंडक्टर हब बनने के पीछे एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं समस्या हो सकती है। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, नैसकॉम के पूर्व चेयरमैन और हनीवेल ऑटोमेशन के चेयरमैन मिस्टर गणेश नटराजन, माफ कीजिए, हमारे साथ हैं। मिस्टर नटराजन, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मिस्टर नटराजन, ये अचानक से खबर आई जो कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत झटका, जो हम एक सो कॉल्ड बिग सपना कह रहे हैं कि चिप इंडस्ट्री बनने का भारत का, सेमीकंडक्टर हब बनने का, जब फॉक्सकॉन और वेदांता की डील यहाँ पर कैंसिल हो गई, सबसे पहले आपकी नज़र में इस डील का टूटना भारत के लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है? नहीं, ये डील का टूटना जैसे आप कह रहे हैं वो जरूर सदमा पहुंचाएगा, क्योंकि जैसे आप अगर इतिहास में देखें तो जो इंडिया ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए काफी लिबरलाइज किया था सेमीकंडक्टर और इम्पोर्ट्स, और उसके जरिए हमने, जैसे काफी लोग कहते हैं कि एक 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 तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स बस को हमने मिस कर दी थी, और अभी हमें उम्मीद था कि जैसे आपने कहा 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, और वो भी दुनिया का सबसे मशहूर कंपनी फॉक्सकॉन वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर में, अगर वो हो पाता तो एक पूरा एक लैंडमार्क डील जिसे कहते हैं वो हो जाता। क्योंकि अब देखिए, अब इंडिया में आप देखेंगे तो आजकल ऑलमोस्ट 100% चिप्स आर इम्पोर्टेड, और जो इंडिया का मार्केट है वो $27 बिलियन की है, और कम से कम 20% एवरी ईयर बढ़ रही है, और ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ डोमेस्टिक आत्मनिर्भर के लिए नहीं था या नहीं है, आगे बढ़ते हुए एक्सपोर्ट्स का भी काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी था। जैसे आप देखिए तो चाइना ने 50 बिलियन डॉलर्स फर्स्ट क्वार्टर 2023 में एक्सपोर्ट्स किए हैं। तो अगर एक ऑल्टरनेटिव हब बनना है चाइना के लिए, या अगेंस्ट चाइना और ताइवान और जापान और कोरिया, तो हमें काफी कुछ करना पड़ेगा। तो ये जरूर है कि दोनों कंपनियां ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इंडिया का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है और ये PLI जरूर चलेगा, मगर एक एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1-1.5 साल का तो जरूर एक जो होप्स था हमें वो थोड़ा स्थगित हो गया। मिस्टर नटराजन, कहा ये भी जा रहा था, जो एक वाइडली जो ऑब्जर्वेशन किया गया वो ये था कि दो ऐसी कंपनियों का साथ आना, वेदांता और फॉक्सकॉन, जिनका इस पूरे बिजनेस में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो साथ में आई, करार टूटा, ये दूसरी कहानी है। दूसरा, यहाँ पर मैं जिक्र माइक्रोन टेक्नोलॉजीज का भी करना चाहती हूँ, जो एक डील US के साथ हुई, इसमें भी जो सेमीकंडक्टर या चिप की बात हुई वो सिर्फ असेंबली की बात हुई है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है। तो ये जो हम अगर तमाम जो इन इंसिडेंट्स को देखें एज फार एज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज कंसर्न्ड, ये समझना जरूरी है, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्या हम सही तरीके से सेमीकंडक्टर भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के पीछे इस सही रास्ते को ले रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही रास्ते ले रहे थे, क्योंकि अगर आप ये इसको आप 3 स्टेप में देखिए,
क्योंकि पहले तो डिजाइन होती है, जैसे बड़े बड़े कंपनियां हैं क्वालकॉम, एनवीडिया जो बहुत ही मशहूर कंपनियां हैं, तो और इंडिया का जो सॉफ्टवेयर टैलेंट है वो इंजीनियरिंग डिजाइन में काफी कामयाब है, और मेरे ख्याल से कुछ चिप डिजाइनर्स भी यहाँ इंडिया में काम करते होंगे फॉर दीज कंपनीज। तो वो तो एक पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपको मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी तरह के एक्सपर्टीज चाहिए, जो अभी फिलहाल तो इंडिया में नहीं है, मगर आगे बढ़ते हुए कम से कम 13-15 हजार लोगों की जरूरत हो गई। वो ट्रेनिंग हो सकती थी, और गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि वो किट्स देंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कि लोग सीख सकें, और ये बहुत अच्छा होगा। और इसके आगे चलते हुए द अल्टीमेट इज व्हाट वी कॉल फैब, मतलब कि जो फैब्रिकेशन यूनिट है। और मेरे ख्याल से जो जॉइंट वेंचर थी वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच, उसमें ये भी एनविसाज किया था कि एक सेमीकंडक्टर फाउंड्री भी बनाई जाएगी धोलेरा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, और ये तीनों स्टेप हो जाता। अभी तो ये है कि हमें डिजाइन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तो काफी जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में इंफोसिस, टीसीएस जैसे, क्वालकॉम और एनवीडिया जैसे कंपनीज को हम आगे जरूर ग्रो कर सकते हैं, तो वो तो करना ही है। मगर ये भी जरूरी है कि अगर आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो एक फैब होना जरूरी है। हम लोग काफी दिन से कम से कम 20 साल से यही कहते आ रहे हैं, और ये एक अच्छा मौका था पीएलआई के जरिए कि कैसे हुआ जाए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी भी करेंगे गवर्नमेंट। जैसे अश्विनी वैष्णव जी और राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा है, वो गवर्नमेंट को पूरा भरोसा है कि ये हो जाएगा। अब यही बात है कि किस कौन सी कंपनी आगे आती है जिसके पास डीप पॉकेट्स हो इन्वेस्टमेंट के लिए, किस तरह से वो प्रोडक्शन ग्रेड लाइसेंसिंग, जैसे आपने 20 nm 40 nm का जिक्र किया था, और किस तरह से इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर से किस तरह से लाइसेंसिंग करती है, जरूर हो सकता है। अगर भारत के बड़े ग्रुप्स भी अगर इसमें आ जाएं, जैसे टाटा बिरलास हो, तो बहुत ही अच्छा होगा। मगर मुझे उम्मीद है कि थोड़ा डिले जरूर होगा, मगर हमको करना ही है कि यही इसी से हमारा डिजिटल इंडिया स्टोरी पूरा कंप्लीट होगा। एब्सोल्युटली मिस्टर नटराजन, क्योंकि बिल्कुल हालिया में ही हमने जो हमने जिक्र भी किया अपनी रिपोर्ट में, जो हम दिखा रहे थे, जितने इनिशिएटिव्स लिए गए उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके की रोक लगी है। आप काफ़ी पॉजिटिव हैं इस पूरी स्टोरी को लेकर, पर जैसे जो कई योजनाएं हमने रिसेंट पास्ट में देखी, सिंगापुर की IGSS वेंचर के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलना, जैसे अबू धाबी के नेक्स्ट ऑर्बिट का प्रस्ताव भी नामंजूर हुआ, इसराइल के ISMC का प्रस्ताव भी खारिज हुआ, ये तमाम ऐसे जो इंसिडेंट्स हमने देखे हैं रीसेंट पास्ट में। सर, इन योर एक्सपीरियंस जो हम देख पा रहे हैं कि $10 अरब के चिप PLI से भी क्या भारत में किसी कंपनी का उत्साह उतना भी नहीं बन पा रहा है? जैसे इंटेल ने पोलैंड में प्लांट लगा दिया, लेकिन भारत जो इतना बड़ा बाजार है, जो इतना पोटेंशियल है, वो शायद हम क्या ग्रैब नहीं कर पाए। तो अभी रियल ग्राउंड वर्क हमें आने वाले टाइम में सर क्या करने की जरूरत है इन योर एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस, मुझे यही लगा था, जैसे आपको एक डिफाइनिंग मोमेंट और इवेंट चाहिए। जैसे आप अगर अगर आप 30-40 साल पहले जाएं, तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए भी हमें काफी, उस टाइम में एक मेजर कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए भी 2 साल की रेड टेपिज्म होती थी, और फिर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को परमिशन मिला, और उसके बाद हमारे जो लिंक्स हुए इंडिया यूएस के लिंक्स, उससे ये पूरा इंडस्ट्री बन गया। और मुझे पूरा उम्मीद था कि ये फॉक्सकॉन वेंचर जो है वही एक ट्रिगरिंग इवेंट हो सकता था, और ये भी हो भी जाएगा। तो ये मत सोचिए कि अगर 2-3 लोगों का अप्रूवल नहीं मिला, ये कोई वजह हो सकती है, क्या फाइनेंसिंग हो या कुछ भी हो, मगर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को भी केयरफुल रहनी चाहिए कि कोई भी कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं हो, अगर उनको इतने बड़े इंसेंटिव दे। जैसे आपको मालूम है 76,000 करोड़ का ये जो मॉडिफाइड PLI है, स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर्स है, तो गवर्नमेंट को जो करना था वो कर रही है। अभी तो एंटरप्रेन्योर्स के पे डिपेंड करता है कि किस तरह से, चाहे वो बाहर के इंटेल जैसे लोग हो या इंडिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो, जैसे रिलायंस है या अडानीज है या जो भी हो, तो अगर वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से जैसे हमने एक $250 बिलियन का IT सर्विसेज इंडस्ट्री खड़ा किया, उसी तरह से ये अपॉर्चुनिटी 1.7 ट्रिलियन है ये है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसमें से अगर हम 20% भी अगर मार्केट शेयर ले सकें, तो आप देखिए ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से तो बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो हमें पूरा उम्मीद रखना चाहिए, और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, डोमेस्टिक हो या फॉरेन। सर, आपने यहाँ पर जिक्र किया था कि चीन का ऑल्टरनेटिव, तो
तो चीन का ऑल्टरनेटिव हमें बनना है नंबर चार पे, टॉप फाइव देशों जो हम दुनिया में टॉप फाइव देश है, नंबर चार पर चीन आता है, नंबर एक पे जापान है, फिर ताइवान है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, जर्मनी। हम तो चीन की बात करते हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब जो चीन में यहाँ पर कुछ अपहीवल हुआ उसका हम फायदा कम से कम भारत में उठाएं। तो यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड जो वहां पर बाजार है उसको भारत में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए जैसे आपने कहा, मैं मुझे जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में, उसमें अभी हमने रिसेंटली एक किताब लिखी थी इंडिया पाथवे टू सक्सेस, और उसमें भी एक पूरा चैप्टर है डिजिटल इंडिया पे। इसमें आधा चैप्टर तो हमने सॉफ्टवेयर की बात की थी, मगर आधा चैप्टर इसी की बात कर रहे थे कि मैं और मेरे को ऑथर मनोज सोमन यही रिसर्च किया था हमने कि किस तरह से फैबुलस सेमीकंडक्टर्स, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि डिजाइन एंड ऑफ कोर्स अट्रैक्टिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट जैसे फैब का, तो ये तो होना ही था। अब चाइना को देखिए, अब ये मत समझिए कि चाइना एकदम नीचे आ गया है। चाइना का अगर, जैसे मैंने जिक्र किया था कि अगर आप देखें तो $49.8 बिलियन का एक्सपोर्ट है फर्स्ट क्वार्टर 2023 में सेमीकंडक्टर्स का, तो चाइना इज बैक विद अ बैंग। तो ये कभी आप चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये जरूर है कि इंडिया कैन बी एन अल्टरनेट सप्लाई सोर्स, क्योंकि अभी अमेरिका का भी हमें पार्टनरशिप मिला है, तो अभी हमें बस आगे बढ़ना चाहिए। ये मत सोचें कि चाइना बैठा हुआ है या जापान या कोरिया और ताइवान। हमें करना चाहिए, हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, थोड़े रिस्क लेनी चाहिए, तभी ये इंडस्ट्री बन पाएगा। ओके, और 2026 तक सेमीकंडक्टर उत्पादन उसको $63 अरब तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए मिस्टर नटराजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर गणेश नटराजन से हमने खास चर्चा की, और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। अदालत ने कहा सरकार कानून बनाकर कार्यकाल में विस्तार कर सकती है, लेकिन अध्यादेश लाकर ऐसा करना वैध नहीं है। भारत के दौरे पर आए पहुंचे सऊदी अरब के इस्लामिक नेता और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल ईसा ने भारत की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा भारत दुनिया में सह अस्तित्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इवेंट में अल ईसा के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्शन जारी है। इसी क्रम में एनआईए ने आज कश्मीर घाटी के 3 जिले अनंतनाग, शुपियां और पुलवामा में 5 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी ने बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक डेटा वाले कई डिजिटल उपकरण भी जब्त किए। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ये संगठन लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े हुए हैं। महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने 18 जुलाई को तलब किया है। पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र में खुलासा हुआ कि एक महिला पहलवान ने 6 स्थानों के बारे में बताया था जहां उसे लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोप पत्र में कहा गया कि अब तक की जांच के आधार पर ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कुल 21 गवाहों ने अपना बयान दिया है। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च रिहर्सल को आज पूरा कर लिया। चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। ये रिहर्सल 24 घंटे चलती है। इसमें श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर से लेकर अन्य स्थानों के सभी केंद्र, टेलीमेट्री सेंटर और कम्युनिकेशन यूनिट्स की तैयारियों का जायजा लिया जाता है। माहौल एकदम लॉन्च के समय जैसा होता है, बस रॉकेट को लॉन्च नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सभी सेंटर्स को उनका काम और उससे संबंधित क्रम याद रहे।
पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में सत्ताधारी टीएमसी ने बंपर जीत हासिल की। ताजा आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी ने ग्राम पंचायत की 15,000 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। उधर बीजेपी ने 3,200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 882 सीटें जीत ली हैं। पंचायत में ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने बंगाल ग्राम पंचायत की 3 सीटें जीती हैं। मालदा में पार्टी 2 और मुर्शिदाबाद में 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। पंचायत समिति की सीटों से जुड़े आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। अब तक टीएमसी ने 58 सीटों पर जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई। आज यूपी में बदमाशों ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत को निशाना बनाया। कुछ लोगों ने अयोध्या के पास वंदे भारत पर पथराव किया। पथराव की वजह से ट्रेन की 5 खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। अड़तालीस घंटे बाद 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचेंगे और वहां भारतीय नौसेना के लिए फाइटर जेट और सबमरीन्स के साथ हेलीकॉप्टर इंजन पर भी बड़े फैसले की उम्मीद है। फ्रांस में डील के बाद हिंद महासागर में भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी और इसका चीन पाकिस्तान पर क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई और 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय पर्व की परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस बार की परेड में भारत की तीनों सेनाएं भी मौजूद रहेंगी। भारतीय वायुसेना के रफाल विमान फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। नौसेना के 4 अफसर और 64 नौसैनिक परेड में शामिल होंगे। साथ ही जंगी जहाज INS चेन्नई भी 12 जुलाई से 16 जुलाई तक फ्रांस में ही रहेगा। भारतीय सेना ने पंजाब रेजिमेंट का दस्ता भेजा है जो परेड में हिस्सा लेगा। इस दौरे में केवल भारतीय सेनाओं की ही उपस्थिति फ्रांस में नहीं होगी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में भारत और फ्रांस के बीच रक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय नौसेना के लिए लड़ाकू विमानों का सौदा। भारतीय नौसेना को अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट की तलाश। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरे में नौसेना के लिए रफाल फाइटर जेट खरीदने पर बात आगे बढ़ सकती है। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट के साथ साथ भारतीय नौसेना को नई सबमरीन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत ने फ्रांस के सहयोग से ही कलवरी क्लास की 6 सबमरीन बनाई हैं, जिनमें से 5 नौसेना में शामिल भी हो चुकी हैं। अंतिम सबमरीन के अगले साल तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। खबरें ये हैं कि इस यात्रा में फ्रांस के साथ 3 और कलवरी क्लास के भारत में ही निर्माण पर समझौता हो सकता है। अगर ये समझौता हो गया तो नौसेना के सबमरीन बेड़े में जल्द इजाफा हो सकता है, यानी हिंद महासागर में भारत के शत्रुओं की तकलीफ और बढ़ सकती है। इस सौदे के हो जाने से भविष्य में मल्टीरोल और दूसरे हेलीकॉप्टरों के लिए देश में ही ताकतवर इंजन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जोर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर रहने की संभावना है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट चाहिए, स्वदेशी हेलीकॉप्टर के लिए इंजन की तकनीक चाहिए। सबमरीन बनाने की तकनीक भले ही विदेश से आए लेकिन उनका निर्माण भी देश में ही होगा। इन समझौतों से तीनों ही सेनाओं को फायदा होगा लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। पिछले 72 घंटों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। आसमान से गिर रही आफत ने हालात इमरजेंसी जैसे बना दिए हैं। तस्वीरें ऐसी जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे, देखिए। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां मूसलाधार बारिश और भयंकर बाढ़ से पैदा हुए हालात को समझने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आसमान से ही स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी कुल्लू में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। चंबा जिले में भूस्खलन से नुकसान का सिलसिला अब भी जारी है। चंबा भरमौर मार्ग पर एक जगह भूस्खलन के चलते रास्ते बंद किया गया। वहां बारात लेकर जा रहे दूल्हे को JCP की मदद से पार करवाया गया। बारात
बिजली पे हमें खासा ध्यान देना पड़ा, जो हमारी अल्टरनेट लाइन है वो इफेक्टेड है, कि भरमौर में पावर ट्रांसमिशन की का टावर क्षतिग्रस्त हुआ, जिस कारण वहाँ से बिजली के सप्लाई पावर ग्रिड में दिक्कत आ रही है। सोलन में बरसात से नुकसान थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में एक दर्जन से अधिक सड़क मार्ग बंद पड़े हैं। यहाँ लोगों से हादसे से बचने के लिए घरों में रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि देश भर के 7 राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है। यमुना के टापू पर यहाँ पशु भी फंस गए हैं। फतेहाबाद जिले से गुजर रही घग्गर नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अंबाला के निचले इलाकों में जलस्तर बढ़े होने से लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ बिजली संकट से भी दो चार होना पड़ा है। अंबाला के ही आशीर्वाद कॉलोनी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं पंचकुला का पहाड़ी क्षेत्र मोरनी शहर से कट गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। लगातार 4 दिन से हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश के चलते हथनी कुंड बैराज पर रिकॉर्ड तोड़ 3,45,000 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया गया है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान एलजी ने पानी भरने की असली वजह भी बताई। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। देहरादून में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है। सीएम धामी ने जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से अनावश्यक आवाजाही से बचने की भी अपील की है। चंडीगढ़ की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर धू धू कर जल रहा है। ये तस्वीरें सेक्टर 15 की हैं। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियां भी तेजी से फर्राटा भर रही हैं, लेकिन बिजली विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश से हालात बेहद खराब है, वहीं राज्यों में भी बारिश से मुसीबत कम नहीं। राजस्थान के कई शहरों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अजमेर में बारिश का 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। भारी बारिश से यहां सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में प्रलयकारी बाढ़ और तबाह कर देने वाले फ्लैश फ्लड ने हर किसी को विनाश का डरावना ट्रेलर दिखा दिया, लेकिन ब्यास नदी पर बने पंचवक्त मंदिर में लोगों की आस्था तब और बढ़ गई जब केदारनाथ त्रासदी जैसे बने हालात के बीच महादेव डिगे नहीं, तटस्थ खड़े रहे, भले ही पानी सिर के ऊपर ही गुजर गया। पंचवक्त्र यानी पांच मुख वाले महादेव के सदियों पुराने मंदिर की तस्वीरें बता रही हैं कि जब हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रकृति ने विनाश लीला शुरू की, तब हर किसी को ठीक 10 साल पहले हुए जून 2023 की केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा हो गई। तब भी प्रकृति तांडव कर रही थी, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ठीक 10 साल बाद अब ये तस्वीरें मंडी के 300 साल पुराने शिव मंदिर की हैं, जहां आसपास भारी बारिश और बाढ़ के तेज बहाव में सब कुछ बहता जा रहा था। पिछले 3 दिनों से मंडी में कोई ऐसी जगह नहीं बची जो जलमग्न ना हो गई हो। रिहायशी इलाकों के भयानक हालात बन गए, बाजार डूबने लगे। लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं? इस तबाह कर देने वाले वक्त से कैसे पार पाया जा सकेगा? यहां तक कि ब्यास नदी के तट पर मंडी के इस सुप्रसिद्ध मंदिर में महादेव भी मानो जैसे जल समाधि ले रहे हो। हिमाचल प्रदेश में प्रलयकारी बाढ़ ने सब कुछ अपने में समा लेने का मानो प्रण ले रखा था। यही नहीं, इसी मंदिर के पास बने 40 साल पुराने पुल को भयंकर बाढ़ अपने साथ बहाकर ले गई। पंचवक्त मंदिर की तस्वीरें भी ऐसी लग रही थी कि मानो महादेव जल समाधि लेने की ठान चुके हैं।
उफान खाती ब्यास नदी के चारों ओर हाहाकार मचा था। मंडी के लोगों की आस्था पंचवक्त्र में ऐसी है कि उन्हें अपने महादेव पर भरोसा था कि महादेव ही उन्हें इस संकट से निकालेंगे। एक बार फिर प्रकृति के प्रकोप पर इंसान की आस्था भारी पड़ रही है। आज मंडी जिला में हल्की धूप खिल गई है। इसके साथ ही ब्यास नदी का जो भारी जल स्तर बढ़ा था वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। ब्यास नदी में डूबा ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर आज पानी के घेरे से बाहर है और सुरक्षित भी। आखिरकार अब श्रद्धालु सावन के पावन पवित्र महीने में पंचवक्त्र मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उफनती लहरों के बीच लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर भी है। फिलहाल मंडी में मौसम सामान्य दिख रहा है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आने वाले 15 तारीख तक मौसम खराब बना रहेगा, इसे लेकर अलर्ट किया गया है। हिमाचल के आसमान पर निकला इंद्रधनुष बता रहा है कि फिलहाल महादेव के तटस्थ रूप को देख वो भी नतमस्तक है। हालांकि अगले 24 घंटे में भारी बारिश का कई जगह ऑरेंज तो कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं देश भर में सब्जियों की कीमतों में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ते हुए दामों से न सिर्फ ग्राहक बल्कि व्यापारी भी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में सब्जियां तो हैं, लेकिन बढ़ती कीमतों की वजह से बाजार में बिक्री कम हो रही है। मुंबई में सब्जी की कीमतों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने। देश भर में फिर एक बार सब्जी की बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों के थाली से तड़के का स्वाद छीन लिया है। अगर बात की जाए टमाटर की, तो जो टमाटर आज से करीब 3 दिन पहले 160-170 रुपए किलो बिक रहे थे, वो आज के समय में करीब 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में माल तो है, लेकिन ग्राहक बाजार से नदारद हैं। इसके साथ साथ अगर ग्राहकों की बात की जाए तो ग्राहक जो है अब टमाटर के लिए अल्टरनेट का रुख अपनाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें टमाटो प्यूरी, टमाटो केचप, टमाटो सॉस जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें आपके थाली से तड़के के स्वाद बढ़ाने की, तो अब आपकी थाली में जो तड़के का स्वाद है वो थोड़ा फीका होते हुए नजर आएगा। जी हाँ, सबसे पहले अगर प्रमुखता से बात की जाए अदरक की, जो अदरक पहले आज से करीब 3 दिन पहले 250 से 300 रुपये किलो बिक रहे थे, वो आज की तारीख में 300 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। वहीं जो हरी मिर्ची आपके थाली से तीखापन लेके आती थी, वो अब आज के समय में जो है 220 से 240 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और सबसे अच्छी अगर बात की जाए भिंडी की, तो भिंडी की कीमतों में जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। जो व्यापारी का कहना है कि हाल के दिनों में जो है हाल ही के दिनों में इस तरह से जो कीमतें जो हैं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इससे ग्राहक के साथ व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। और उनका कहना है कि सरकार को इस मैटर का जो है संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द प्राइस कंट्रोल के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। और पांडे मीडिया में एक हिंदुस्तानी से प्यार करने वाली सीमा हैदर को पाकिस्तान में फांसी देने की डिमांड हो रही है। आज पाकिस्तान के कई शहरों में सीमा को सजाए मौत दिए जाने की आवाजें आ रही हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की जनता के साथ साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी सीमा हैदर की बातें कर रहे हैं, और सब यही मानते हैं कि सीमा ने एक हिंदुस्तानी लड़के से शादी करके और हिंदू धर्म को अपनाने का ऐलान करके पाकिस्तान का मजाक बनाया है। पाकिस्तान में सीमा हैदर के लिए फांसी का फंदा तैयार है। अगर सीमा भारत से वापस गई तो पाकिस्तानी बिना देर किए उसकी जान ले लेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, पाकिस्तान के हर शहर में सीमा हैदर को फांसी चलाने की डिमांड हो रही है। सीमा की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने एक हिंदुस्तानी से प्यार किया और गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके इंडिया चली गई। भारत पहुंचते ही सीमा हैदर ने जो बयान दिए उसे सुनकर पाकिस्तान का पारा हाई है। पाकिस्तानियों को लगता है कि सीमा ने 3 ऐसी गलतियां की जिसके बाद माफी मिलना नामुमकिन है। पाकिस्तानियों ने कैमरे पर धमकी दी है और ऐसे मैसेज बाकायदा नोएडा में सीमा हैदर तक पहुंचा दिए गए हैं। सीमा खुद कबूल कर रही है कि उसे जबरन पाकिस्तान वापस ले जाने और गर्दन उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि सीमा हैदर की वजह से उनको हिंदुस्तान के सामने बेइज्जत होना पड़ा है।
इसलिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों में शायद ही कोई है जो सीमा से नाराज नहीं है। पाकिस्तान की लड़कियां भी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। सीमा हैदर अगर गलती से भी वापस पाकिस्तान की सीमा में गई तो उसके फैमिली मेंबर, मोहल्ले वाले सब मिलकर किसी तरह से बदला लेंगे। पाकिस्तान में सीमा के लिए नफरत की बड़ी वजह है उसका हिंदू धर्म में यकीन जताना। सीमा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियोस में सिंदूर लगाया हुआ है। उसने ये भी दावा किया है कि सचिन मीणा के साथ उसने नेपाल में ही एक मंदिर में जाकर शादी की। ये सुनने के बाद से पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने मानो सीमा के नाम की सुपारी दे दी है। और आज के शेयर बाजार का अपडेट आपको दें, मंगलवार को भी बाजार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 65,600 के पार बंद हुआ। निफ्टी 83 अंक चढ़कर 19,440 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 116 अंक गिरकर 44,750 के करीब आज हुआ बंद। इंडिया 360 डिग्री में बस इतना ही।